इस बार पास करने वाले सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। जो भी छात्र इस बार एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट आ चुका है और पास कर चुके हैं, अच्छा मार्क प्राप्त किए हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि आपको क्या सब लाभ मिलेगा। यह खबर ऐसा है कि सभी छात्रों के लिए काफ़ी आवश्यक है, जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसके तहत आपको कितने दिनों तक लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, तो सभी छात्र जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, योजना का लाभ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दें, तभी इस योजना का आप लाभ ले पाएंगे। चलिए उस न्यूज़ को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेहतर अंक से इंटर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक मिलेगा 10,000 रुपये। तो यानी बेहतर अंक यानी जो भी छात्र 80% से अधिक अंक यानी ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनको जो है कि 5 वर्ष तक जो है कि 10,000 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर तक छात्र कर सकते हैं NSP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन। तो देखिए ये जो है कि लाभ पिछले वर्ष 2019 में दिया गया है और इसलिए निश्चित रूप से अब की बार जो भी छात्र 2020 में पास हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, तो जैसे ये जो योजना का लाभ दिया गया पिछले वर्ष, तो यहाँ पर आपको जो है कि सरकार के द्वारा लिस्ट जो है जारी की जाती है, उसमें आपको देखना होता है कि आपका नाम आया या नहीं आया। यानी जिन छात्रों का नाम उस लिस्ट में आ जाता है तो उन सभी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलता है। तो न्यूज़ जो है विस्तार पूर्वक इनको जान लेते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा 2019 में बेहतर अंकों से पास विद्यार्थियों को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची बिहार बोर्ड की वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। तो इसी प्रकार से इस बार भी जारी की जाएगी, अभी जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस योजना के तहत 2019 में इंटर उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिनका नाम सूची में है उनको 10,000 रुपये प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्षों तक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। यानी प्रत्येक वर्ष यानी 10,000 रुपये मिलेंगे और यह 5 वर्षों तक मिलेंगे, यानी टोटल आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, 10×50,000। तो देखिए लिस्ट में जिसका नाम है उसी छात्र को मिलता है 5 वर्षों तक। तो ये जो है योजना का लाभ इस वर्ष भी मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहे, जैसे ही लिस्ट जारी होगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही जो भी इस बार इंटर में फर्स्ट डिवीज़न किए हैं तो उनके लिए भी 10,000 रुपये मिलेंगे, उन छात्रों को भी मिलेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा लिस्ट जारी होने के बाद सभी छात्र उस लिस्ट में अपना नाम देखेंगे और नाम पर जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करना होगा, जैसे बैंक का जो है कि आप खाता नंबर वहाँ पर अपडेट करेंगे और आधार कार्ड नंबर अपडेट करेंगे। अपडेट करके आप वहाँ पर जो है कि जानकारी सबमिट कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे, तो सभी छात्रों के खाते में राशि भेजी जाती है।